सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ चांदपुरगढ़ी मंदिर में। हाँ जी, आप लोग सोचेंगे चांदपुरगढ़ी मंदिर कहाँ पड़ता है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ। सो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूँ, ये मंदिर पड़ता है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के आदि बद्री में। गाइस, इस मंदिर की काफी ज्यादा मान्यता है। काफी साल पहले यहाँ पे एक महल हुआ करता था राजा का, और उस मंदिर की काफी चीजें कुछ साल पहले यहाँ पे खुदाई हुई थी तो वहाँ पे निकली है। जैसे काफी पुरानी चीजें उस टाइम के यहाँ पे निकली हुई है। और आप लोगों को ये पता होगा ही, नंदा देवी राजात यहाँ पे उत्तराखंड में होती है, तो जब भी नंदा देवी राजात होती है तो वो चांदपुरगढ़ी में एक बार जरूर आते हैं। चलिए, मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी कि कौन कौन सी चीजें वहाँ पे खुदाई करके निकली हैं उस टाइम की, राजा कनकपाल के टाइम की। तो चलिए गाइस, आप लोग देखिए किस तरीके का ये मंदिर है। ये मंदिर मेरे घर से लगभग 2 किलोमीटर आगे है, तो बस मैं, आप लोग देख सकते हैं मैं पैदल चल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों का सोर्स थोड़ा कम है, गाड़ियाँ नहीं मिल पाती हैं, तो पैदल ही चल रही हूँ मैं। तो चलिए आप लोग भी देखिए मेरे साथ। गाइस, आप लोग देख सकते हैं सामने पे काफी ज्यादा गांव आप लोगों को दिख रहे होंगे, और हम लोग पहुँचने ही वाले हैं चांदपुरगढ़ी मंदिर में। बस यहाँ से थोड़ा सा ही दूरी पे चांदपुरगढ़ी मंदिर आ जाएगी। गाइस, आप लोग देख सकते हैं चांदपुरगढ़ी कुछ ही दूरी पे यहाँ से आ गई है। सो गाइस, हम लोग चांदपुरगढ़ी मंदिर पे पहुंच चुके हैं। वहाँ है जहाँ पे वो चीजें निकली हैं, और यहीं पे था राजा का महल। तो चलिए देखिए आप लोग। सो गाइस, यहाँ पे कुछ मार्केट भी है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से ऊपर जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बट अभी मैं पहले मंदिर में जाऊंगी, जय महाराज राजेश्वरी गौरजा मंदिर में। वहाँ पे मैं थोड़ा जोत वगैरह जलाऊंगी, उसके बाद में दिखाती हूँ कि ऊपर जो राजा का महल था वो कैसा था। तो गाइस, जो ये मंदिर है यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, नंदा देवी राजदात जब होती है तो यहाँ पे भी राजदात वाले आते हैं, क्योंकि यहाँ पे माँ नंदा देवी की बहन माँ राजराजेश्वरी का स्थान है, तो वो यहाँ पे भी आती हैं। आप लोग देख सकते हैं बहुत ज्यादा मान्यता है इस मंदिर की। तो चलिए मैं थोड़ा अंदर जाके इस मंदिर में पूजा करती हूँ। ये दवा दे, पीने का। Thank you.
Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. जिस मंदिर में गाइस मैं गई थी वो मंदिर आप लोग देख सकते हैं, ये सामने पे है। तो गाइस चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ थोड़ा बहुत चांदूगढ़ के बारे में। गाइस ये गढ़वाल के 52 गढ़ों में से सबसे लोकप्रिय गढ़ है चांदूगढ़। यहाँ पे परमावंशी राजा कनकपाल ने इस गढ़ को स्थापित किया था और यहाँ पे उनका काफी बड़ा महल था। ये गढ़ चमोली जिले के आदिबद्री के पास स्थित है और आप लोगों को मैं बता दूं चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में पड़ता है। इसके अलावा गाइस ये सड़क से करीब 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर पड़ता है और साथ ही साथ यहाँ पे वर्तमान समय में हस्तलिपि कला चित्र के अवशेष भी मौजूद हैं। यहाँ पे जब खुदाई हुई थी तो काफी सारी ऐसी चीजें निकली थी जो कनकपाल राजा के टाइम की थी। इसके अलावा गाइस यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि करीब 500 फीट नीचे नदी में राजा के महल की सुरंग मिलती है। इसके अलावा गाइस इस मंदिर के बारे में मुझे भी इतना ही पता है, लेकिन यहाँ पे काफी सारे टूरिस्ट लोग आते हैं, काफी सारे लोग यहाँ पे देखने आते हैं किस तरीके के यहाँ पे कलाचित्र निकले हैं पुराने समय के, क्योंकि यहाँ पे बहुत साल पहले खुदाई हुई थी तो खुदाई होने के बाद यहाँ पे काफी ऐसी चीजें निकली हुई है। इसका विश्वास शायद आप लोग भी ना कर पाए लेकिन ये रियल है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी ऐसी पुरानी चीजें निकली है राजा के टाइम की। तो चलिए आप लोग भी देखिए, मैं आप लोगों को इस वीडियो में सारी वो चीजें दिखाऊंगी जो जो यहाँ पे निकली हुई हैं। तो आइए आप लोग भी देखिए। वहाँ है मेरा गांव, मेरा घर, तो वहाँ से मैं पैदल आई हूँ इतनी दूर। आप लोग देख सकते हैं मेरी सांस भी वैसे काफ़ी ज़्यादा फूल रही है क्योंकि इतना पैदल बहुत कम चलती हूँ। और ये सामने मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखाई थी ना, ये हमारे गांव के आसपास का व्यू, ये मेरे घर के आसपास का व्यू है जो यहाँ से भी इस तरीके से दिखता है। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं हम फाइनली चांदपुर गढ़ में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे सबसे पहले मैं पूजा करूंगी। यहाँ पे माँ नंदा देवी और यहाँ पे भी आके पहले पूजा करनी होती है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे भी आके पूजा करूंगी। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कौन कौन से कलाचित्र यहाँ पे निकले हुए हैं खुदाई करके। तो गाइज यहाँ पे ये कुछ पुराने महल के कमरे निकले हुए थे जो कि मिट्टी के थे, बट अभी यहाँ पे इन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है तो इन्होंने इस तरीके से यहाँ पे चिनाई करके मिट्टी के जो घर थे आप लोग देख सकते हैं घरों के यहाँ पे आकार, कमरों के आकार बने हुए हैं, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे चिनाई करके इसे इस तरीके से बना दिया है। तो गाइज ये सारे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इन पत्थरों को देख सकते हैं और आप लोग लगा सकते हैं ये पत्थर अभी के तो नहीं हो सकते हैं, ये काफ़ी साल पुराने पत्थर हैं जो कि जब राजा अजय पाल का यहाँ पे महल था उस टाइम के ये पत्थर हैं और ये पत्थर जब यहाँ पे खुदाई की गई थी उस टाइम पे निकले हुए थे। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कुछ पुरानी चीज़ें भी यहाँ से निकली हुई हैं, उन चीज़ों को मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए अभी मैं नीचे जा रही हूँ,
ये देखिए आप लोग, ये काफी सारे ऐसे कमरे निकले थे यहाँ पे, जो महल के कमरे थे वो निकले थे यहाँ पे, जो कि मिट्टी के थे, बट इन लोगों ने यहाँ पे थोड़ा बहुत काम किया और इसे इस तरीके से चिनाई करके इन कमरों को बना दिया है। तो चलिए मैं नीचे चल रही हूँ, आपको दिखाती हूँ सारा। ये देखिए आप लोग, जब यहाँ पे महल होता होगा पुराने समय में, तो इतने ही स्पेस में एक कमरा रहता होगा, क्योंकि इसी स्पेस में वो दीवारें थी, मिट्टी की दीवारें, जो कि इन्होंने मिट्टी की दीवारें तोड़ के इस तरीके की चिनाई यहाँ पे कर ली है। ये पत्थरों से यहाँ पे चिनाई की है। ये गाइस आप लोग देख सकते हैं, ये सारे पुराने पत्थर हैं, ये अभी के पत्थर नहीं है, ये उस टाइम के पत्थर हैं जब यहाँ पे राजा अजयपाल रहते थे। तो आप लोग इन पत्थरों को देख सकते हैं, सारे पुराने पत्थर हैं। तो यहाँ पे बोलते थे कि राजा का यहाँ पे दरबार लगता था, यहाँ पे उनकी प्रजा बैठी रहती थी, जो आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने राजा महाराजाओं के सीरियल देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि राजा जब अपनी दरबार के सामने साथ बैठा रहता है तो वो यही जगह है, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है, क्योंकि ये इसी तरीके से ये जगह यहाँ पे खुदाई के टाइम पे निकली थी। अभी इन्होंने यहाँ पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया है, थोड़ा बहुत यहाँ पे ये लगा दिए हैं बैठने के। और मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाती हूँ, ये देखिए, ये भी उसी टाइम का निकला हुआ है गाइस, आप लोग देख सकते हैं। इसमें पहले जमाने में लोग बोलते थे, अभी भी गांव में चलते हैं ये चीजें काफी, लोग बोलते हैं इसमें गेहूं धान वगैरह कूटते थे लोग, महल था उसी टाइम का ये निकला हुआ है, ओखली बोलते हैं इसे, ये ओखली निकली हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं, वैसे ही गाइस ये देखिए आप लोग, ये है सारा जो मैंने आप लोगों को ऊपर साइड से दिखाया था ना, तो ये खुदाई करके ऐसा ही ये निकला हुआ था। बस यहाँ पे गवर्नमेंट ने थोड़ा चिनवाई कर ली है, ये पत्थरों से यहाँ पे चिनाई कर ली है, इसीलिए इसका लुक अभी डिफरेंट लग रहा है, लेकिन जब यहाँ पे खुदाई हुई थी तो यहाँ पे ये सारा इसी तरीके से मिट्टी की दीवारों में बना हुआ मिला था। और कुछ इस तरीके से है गाइस, ये देखिए आप लोग, अगर आप लोग नीचे देखेंगे तो नीचे यहाँ बिल्कुल बहुत ही ज्यादा बड़ा गदेरा है इस साइड में, और सामने पे यहाँ पे काफी सारे गांव पड़ते हैं। और ये देखिए आप लोग, एक ओखली ये भी निकली हुई है, यानी कि दो ओखली यहाँ पे खुदाई के टाइम पे निकली थी, एक ओखली ये भी है। इसके अलावा आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कुछ इस तरीके से, देखिए आप लोग, यहाँ पे बोलते थे कि राजा के टाइम पे यहाँ पे उनकी किचन थी, ये लोग बोलते थे ये उनकी किचन थी। तो आप लोग देखिए इसी तरीके से पूरा यही आप लोग लगा सकते हैं, पूरा खुदाई में यही निकला था, बट जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इन लोगों ने सिर्फ यहाँ पे चिनवाई की है। और ये देख सकते हैं आप, एक रूम ये भी निकला हुआ है, देखिए आप लोग, ये है। बाकी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इधर जाके, अगर हम और थोड़ा आगे चलते हैं तो यहाँ पे भी फिर राजा का एक और दरबार है। तो गाइस कुछ इसी तरीके से ये चांदपुरगढ़ मंदिर है, इस मंदिर की काफी ज्यादा मान्यता है, काफी सारे टूरिस्ट लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पे पुराने टाइम के राजा के टाइम के चीजें खुदाई के टाइम पे निकली हैं। और बोला जाता है कि जब वो राजा थे, इस क्षेत्र के सबसे बड़े राजा थे वो। तो ये देखिए गाइस कुछ इस तरीके का है ये मंदिर, ये सारी चीजें खुदाई में निकली हुई हैं, देखिए आप लोग, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सीढ़ियां वगैरह सारी, मतलब आप लोग लगा सकते हैं पूरा महल ही खुदाई में निकला हुआ है। ये सीढ़ियां देखिए आप लोग, ये सारी सीढ़ियां पहले से ही जब खुदाई हुई थी उसके बाद ही ये निकली हैं। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे लेकिन फ्रेंड्स ये चीजें रियल हैं और रियल में ऐसा हुआ है। तो मैंने आप लोगों को जस्ट ये दिखाई थी यहाँ पे मंदिर, ये है माँ नंदा देवी का मंदिर। और इधर आके यहाँ पे होता था राजा का महल,
बाकी आप लोग देख सकते हैं इसके आसपास काफी सारे गांव हैं। व्यू भी यहाँ पे काफी अच्छा है, चारों ओर बहुत ही अच्छे पहाड़ वादियां हैं। यहाँ पे आके मन बहुत ज्यादा शांत होता है, बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पे आके। और ये देख सकते हैं आप, ये जो नंदा देवी, ये जो मैंने आप लोगों को नंदा देवी का मंदिर बताया था उसके बैक साइड का है, यानी कि उसके पीछे साइड का है। तो इस तरीके से कुछ मंदिर है। ये देखिए आप लोग, ये सारे पुराने पत्थर निकले हुए हैं, ये सारे पुराने पत्थर थे। और यहाँ पे भी माँ पूजा की जाती है। ये देख सकते हैं आप लोग, काफी सारे लोगों ने यहाँ पे घंटियां वगैरह लगाई हुई हैं। बस कुछ इसी तरीके से ये मंदिर है गाइस। और ये मैंने आपको बताया था जिस साइड से हम आए थे, फ्रंट साइड से ये मंदिर की एंट्री, यहाँ से मंदिर के लिए एंट्री करते हैं। सो गाइस फाइनली यही है चांदपुर गढ़ी मंदिर का व्यू। यही गाइस, आप लोगों को मेरी आज की ये चांदपुर गढ़ी की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को अपने फैमिली के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, हम तीनों यहाँ पे आए थे, ये मेरी सिस्टर है, ये मेरे ब्रदर है, और हम तीनों यहाँ पे चांदपुर गढ़ी में वीडियो शूट करने आए थे। आप लोग इन लोगों से भी मिल लीजिए, आप लोगों को कुछ कहना है। हाय गाइस, प्लीज मेरे दी के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।